अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास वो ये है, फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स इन द टेबल गिवन बिलो। अब बेसिकली इसमें है क्या कि आपको ना ये एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ, अच्छा आपके पास तो पूरे सारे क्वेश्चन लिखे हुए, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स को फिल करते जाएंगे ताकि आपको चीज समझ में आ सके कि ये किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जैसे आपके पास ये इक्वेशन है y = 1/2 और ये x आपका न्यूमिरेटर में, ठीक है। अब इसमें आपके पास जो इसका पहला क्वेश्चन है, जैसे ये एक क्वेश्चन है इसके अंदर उसके दो सब पार्ट दे दिए, ठीक है। पहली मरतबा में वो क्या कह रहा है कि अगर आप इस इक्वेशन में जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है अगर वो आप जीरो रखें तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा वो बताना है आपने। और दूसरे के अंदर क्या पूछा गया है कि अगर आपका इस इक्वेशन में एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो तो आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा ये आपने बताना है। अब बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी आपके पास इक्वेशन एक है उसी में से आपके दो सवाल बना दिए उन्होंने। तो अब हम इसका पहला सवाल सोल्व करते हैं, यानी हम यहाँ पर पुट करते हैं 4y कोऑर्डिनेट। मतलब इफ, अब ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें y कोऑर्डिनेट जो था वो किसके बराबर है, जीरो के। तो y कोऑर्डिनेट आपका जीरो है, तो अब इस इक्वेशन में अगर हम y की जगह जीरो पुट करें तो जीरो आ गया, 0 = 1/2 और x। अब देखें ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो आ गया और x बन जा x, तो यानी x का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आया है, जीरो आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इस इक्वेशन में y कोऑर्डिनेट जीरो रखेंगे तो आपका x कोऑर्डिनेट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। अब हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें क्या है कि x कोऑर्डिनेट आपको 4 गिविन था, तो x कोऑर्डिनेट जब आपके पास 4 गिविन होगा तो तब इस इक्वेशन का y जो है वो क्या आएगा, देखें तो y = 1/2, x की जगह क्या आ गया आपका 4, ठीक है। y = 4 × 4 = 2, फिर ये कैंसिल हो रहा है, आपने चेक किया कैंसिल हो सकता है तो ठीक है, एक ही टेबल से कैंसिल करना होता है, 2 × 2 और 2 × 4, तो y = क्या आ गया आपके पास 2 हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट अगर 4 रखेंगे तो y आपको कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये सिंपल सा इसका आंसर था, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा इसका सॉल्व करके बताया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि किस तरीके से हमने ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आपके पास क्या इक्वेशन गिवन है, x = 2/3y, ठीक है। अब इसके भी दो सब पार्ट है, यानी जो इसका पहला पार्ट है उसमें आपके पास x कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, 1, यानी इस इक्वेशन में अगर आप x को 1 पुट करेंगे तो y आपको कितना आएगा आपको ये बताना है। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने पुट किया x = 1। अब देखें ये इक्वेशन है x है, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1 = 2/3y, सही है। तो ये 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 हो जाएगा, 2y हो जाएगा इधर, ये 2y से y, 2 जो है वो y से मल्टीप्लाई हुआ तो 2y हो गया। अब हमें तो सिर्फ y की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है, यहाँ पर y के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, लेकिन मुझे सिर्फ y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो आप ये 3 जो है, ये जो 2 है था, ये दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 3/2, यानी इस इक्वेशन में अगर आप x जो है वो 1 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ रहा है, 3/2। मैं इसको थोड़ा यू करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, 3/2, सही है। अब जो दूसरा इसके अंदर पार्ट था वो ये है
कि अगर आप इस इक्वेशन के अंदर y कोऑर्डिनेट को 3/2 रखते हैं तो आपका x कोऑर्डिनेट क्या होगा वो आपने बताना है। अब मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं कि अगर जो मेरा y कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर है 3/2 के। चलो मैं एक दफा इक्वेशन लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 2/3y है। तो अब इस इक्वेशन में मैं y को क्या पुट करता हूं 3/2, तो 2/3 आ गया और y की जगह क्या आ गया 3/2। इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों किया, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखें ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया आपका 1 बच जाएगा, जैसे क्योंकि 2 से 2 3 कट गया तो आपका क्या बचा 1 बचा, एक्स इज इक्वल टू क्या बच गया आपका 1 बच गया। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस इक्वेशन में y कोऑर्डिनेट 3/2 रखेंगे तो आपका जो x कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बचेगा वो 1 बनेगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें अब हम करते हैं इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको जो इक्वेशन गिवन है वो है आपके पास 2x + 4y = 8। अब इसके अंदर भी आपके दो पार्ट हैं, जो आपके पास पहला पार्ट है उसमें जो x कोऑर्डिनेट गिवन है वो आपको 0 गिवन है और आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम पहले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, यानी अगर मेरा x कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के लिए 0 है तो मुझे y फाइंड आउट करना है। तो मैंने एक दफा ये इक्वेशन लिख लेता हूँ, उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। इसका मतलब यह है कि जहां भी इस इक्वेशन में x आएगा वहां मैं क्या पुट करूंगा, वहां मैं 0 पुट करूंगा। तो इस इक्वेशन में 2 के साथ x है और ये 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने के लिए मैंने 0 को ब्रैकेट में लिख दिया, 0 x की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट मेरा 0 था। 4y = 8। अब 2 को आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 बनेगा, 0 + 4y = 8। अब ये 0 + 4y तो 4y ही रह जाएगा और 8 आ गया। अब यहां पर क्या हुआ कि y जो है वो 4 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, या आप इसको यू कह लेंगे 4y के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए y की। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है। तो ये 4 इसके साथ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो ये दूसरी तरफ 8 के नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा 4 × 4 = 8। तो आपके पास जो y की वैल्यू आई है वो आई है 2, सही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर मेरा x कोऑर्डिनेट 0 हो और उसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो मेरा जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ये मैंने 2 लिख दिया, सही है। अब जो इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था वो क्या कह रहा था कि आपका जो है वो y कोऑर्डिनेट क्या हो 1/4। 1/4 को हमने इस इक्वेशन में पुट किया y कोऑर्डिनेट के लिए, तो आपका उस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपको ये फाइंड आउट करके बताना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें मैंने y कोऑर्डिनेट लिखा, मेरा क्या है 1/4 और मेरी इक्वेशन है 2x + 4y = 8, सही है। अब देखें अगर इस इक्वेशन में y की जगह मैं क्या पुट करूंगा 1/4, क्योंकि मेरा y कोऑर्डिनेट क्या है 1/4, तो 2x वैसे ही आ गया, 4y 4 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है, और y की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/4 = 8। 2x आ गया, 4 × 4 = 8। अब ये 4/4 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 4 × 4 = 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x + 1 बच गया = 8, सही है। अब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये +1 है, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा -1,
और 8 में से मैंने 1 माइनस किया तो मेरा क्या बच जाएगा 7। अब अगेन ये 2x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा यानी 7/2 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 2, तो ये मेरा x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इससे मुझे ये पता चला कि अगर इस इक्वेशन में मैं y कोऑर्डिनेट 1/4 रखूंगा तो मेरा जो x कोऑर्डिनेट आया वो आया है 7/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें जो आपके पास इक्वेशन गिवन है वो गिवन है 2x + y = 6, सही है फ्रेंड्स। और इसके भी आपको दो जो है इसके क्वेश्चन गिवन हो गए एक किस्म के, यानी पहली मरतबा आपको जब x कोऑर्डिनेट 1 होगा तो आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, और दूसरे सवाल के लिए जब आपके पास y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले x कोऑर्डिनेट जो है 1 है तब उसको हम सॉल्व करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास क्या है 1 के बराबर है। तो हमने ये इक्वेशन एक दफा लिख ली 2x + y = 6, और इसके अंदर मैंने x कोऑर्डिनेट को पुट कर लिया। हम यहाँ लिख भी सकते हैं इंग्लिश में कि पुट x कोऑर्डिनेट = 1 इन इक्वेशन नंबर दिस, लेकिन वो बहुत लंबा पैटर्न है तो ये आप सिंपल यहाँ पर समझ जाए कि हमने x कोऑर्डिनेट को यहाँ पर 1 पुट किया इस इक्वेशन में। अच्छा ये 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इसी तरह x की जगह मेरा 1 आ गया प्लस y इक्वल्स टू 6, 2 + y = 6। अब ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, हमें सिर्फ वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है y की। अब आप समझ गए होंगे ये प्लस 2 था तो ये दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा -2। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप जैसे फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कोई चीज़ लेकर आए कोई वैल्यूज लेकर आए, तो जो पहले जिस साइड पर आप जा रहे हैं ना उस पर जो आपकी पहले वैल्यूज लिखी होंगी पहले वो लिखी जाती है, उसके बाद वो जो वैल्यू आप लेकर गए वो लिखी जाती है। आपको बात समझ में आ गई, यानी ये प्लस 2 मेरा अभी यहाँ पर लेफ्ट पे था तो मैं इसको राइट पर लेकर गया, लेकिन राइट पे मेरे पास पहले 6 लिखा हुआ था तो पहले मैंने 6 लिखा है उसके बाद इसको लिखा है, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और 6 में से मैंने 2 माइनस किया तो मेरा क्या बचा, मेरा बच गया 4। तो फ्रेंड्स ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया, यानी इस इक्वेशन में अगर मेरा x कोऑर्डिनेट 1 के बराबर हो तो y कोऑर्डिनेट मेरा किसके बराबर आया है 4 के, ये मैंने 4 आ गया। इसी तरह अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी इसमें मेरा y कोऑर्डिनेट क्या है वो क्या है 0 है, तो अगर मेरा y कोऑर्डिनेट 0 हो और ये मेरे पास इक्वेशन है 2x + y = 6, तो अगर इसमें मैं y को 0 पुट कर दूं इक्वल्स टू 6 और 2x + 0 तो 2x ही रहेगा = 6 आ गया सिंपल, 0 में प्लस कर दो या माइनस करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे 2x में 0 प्लस करो तो जब भी 2x रहा, और 2x में माइनस भी करता, हालांकि 2x 0 में प्लस नहीं होगा, इस 0 को आप उस तरफ लेके जाएंगे तो तब ही जाके वो सॉल्व होगा, यानी प्लस 0 था तो वो उस तरफ चला गया तो माइनस 0 होगा, 6 में से 0 निकाला तब भी 6 ही बचा, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये मेरे जो है वो बहरहाल 2x = आपका 6 हो गया। अब x जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो या फिर आप इसको यूँ कह लें कि 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है, वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, सही है। तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा 6 के नीचे जाके, तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो जो आपकी x की वैल्यू आई है वो क्या आ गई 3 आ गई, यानी इसका मतलब यह हुआ कि इस इक्वेशन में अगर मैं y कोऑर्डिनेट 0 पुट करूंगा तो x कोऑर्डिनेट मेरा किसके बराबर आया है 3 के, तो ये मेरा
आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें आपके पास जो इक्वेशन गिवन है फ्रेंड्स, वो गिवन है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, सही है। अच्छा, इसके अंदर भी दो पार्ट्स हैं। अब जो पहला पार्ट है ना, उसमें वो ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर आप इस इक्वेशन में जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 के बराबर है, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा। तो ये आपने फाइंड आउट करना है। और जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें ये है कि आपका अगर इस इक्वेशन में एक्स कोऑर्डिनेट 1 के बराबर है तो आपका वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, वो फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको सबसे पहले जो है वाई कोऑर्डिनेट जब 0 था उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 हो और ये मेरी इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब इसमें अगर मैं y कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दूं, यानी y की जगह मेरा क्या आ गया 0, और ये माइनस 0 था दूसरी तरफ जाके क्या हो गया प्लस 0, तो 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल आप इसको यहीं पर भी x इज इक्वल टू 2 ही कह सकते थे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक स्टेप करके बता दिया कि ये आपने जो आपका x कोऑर्डिनेट आया वो आपका यहाँ पर 2 आया, सिंपल सी चीज थी। तो इसका मतलब यह होगा कि अगर आप इस इक्वेशन में y को 0 पुट करें तो आपका x कितना आया है, वो आया है आपका 2। अब दूसरा सवाल, दूसरा पार्ट जो था वो ये था कि अगर आपका x कोऑर्डिनेट 1 के बराबर हो तो आपका y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, ये बताना है। तो देखें, x कोऑर्डिनेट आपका किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो हमने इस इक्वेशन जो थी हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसमें मेरा x कोऑर्डिनेट मैंने 1 रखा, माइनस वाई इक्वल टू 2, सही है। अच्छा, तो ये प्लस 1 है, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। प्लस 1 था, दूसरी तरफ ले गया हम इसको माइनस 1 होगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्स्टेंट थे, सही है। तो माइनस वाई 2 में से 1 निकाला तो मेरा क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखें, अब आपको मालूम है कि जिस चीज़ की हम वैल्यू मालूम कर रहे हैं, यानी हम y की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कभी भी जिस आप वेरिएबल की वैल्यू मालूम कर रहे हो वो खुद कभी भी माइनस में नहीं होता है, सही है। तो ये जो माइनस का साइन है ये y के साथ नहीं आना चाहिए, तो ये माइनस का साइन जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1, वाई इज इक्वल टू माइनस 1। अब आपको बात समझ में आ गई। अगर ये चीज इस तरीके से आपको नहीं, आप इसको यू भी कर ले कि ये माइनस वाई था, इसको मैं उस तरफ ले गया तो प्लस वाई हो गया, और ये प्लस 1 था इस तरफ ले आया माइनस 1 हो गया। आप इसको यू भी कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप इसको यू समझ ले, जैसे माइनस वाई इक्वल टू 1 था, मैंने मल्टीप्लाई करा दिया बोथ साइड्स को माइनस के साइन से, क्योंकि मुझे तो ये माइनस खत्म करना है ना, तो मैंने करवा दिया मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस साइन। तो क्या हुआ कि बाहर यहाँ एक तो मल्टीप्लाई करवाना तो माइनस आ गया ऊपर, ये माइनस वाई, और इधर ये माइनस और ये ब्रैकेट में 1, यानी दोनों तरफ माइनस का साइन आ गया। तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, तब भी यही आंसर आएगा। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही तो कि ये किस तरह आया, तो आप इसको इस टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस इक्वेशन में एक्स कोऑर्डिनेट 1 रखें तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर आया है, माइनस 1 के। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगी ये चीज़ अच्छे तरीके से। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है इसका लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपके पास है इक्वेशन जो गिवन है आपको, वो गिवन है x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, सही है। और इसके भी आपके पास दो पार्ट्स हैं। जो आपके पास पहला पार्ट है उसमें आपके पास ये क्वेश्चन है कि अगर इस इक्वेशन में आपका x कोऑर्डिनेट 3 पुट किया जाए तो आपका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है, सही है।
और जो दूसरा पार्ट है उसमें ये है कि अगर आप इस इक्वेशन में माइनस वन पुट करें, y जो है वो माइनस वन पुट करें, तो आपका x कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आपने बताना है, सही है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x कोऑर्डिनेट जब हमारा 3 था, तो x कोऑर्डिनेट जब हमारा 3 था तो मैंने ये इक्वेशन लिख ली x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, सही है, सही है। अब यहाँ पर मैं x कोऑर्डिनेट को 3 पुट कर लिया, 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 6, सही है। अब ये 3 भी कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वो चीज़ होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। वेरिएबल क्या होता है, जैसे ये x, y, z, a, b, c, ये सारे आपके वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें इस इक्वेशन में इस वक्त a की वेरिएबल है वो ये है y, सही है। अब जो कांस्टेंट थे मैंने उनको एक साइड पे कर लिया, तो ये माइनस 3y यहीं रह गया, और ये प्लस 3 था तो ये दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 3। तो माइनस 3y 6 में से 3 निकाला तो 3 बच गया, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये कट जाएगा, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, तो ये आपके पास बच गया माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब आपको पता है कि जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि जिस चीज़ की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो खुद माइनस में नहीं होता, और वो प्लस किस तरीके से होता है कि आप जो साइन होता है नेगेटिव साइन वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है दूसरी साइड पे, तो ये माइनस वाई था ये प्लस वाई हो जाएगा, और ये प्लस वन था तो ये माइनस वाई हो जाएगा। और इसका आपको मैंने एक मल्टीप्लाई करके भी पीछे वाले क्वेश्चन में दिखाया था, तो आपको ये समझ में ना आया वहाँ से भी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसी में मैंने पूरा समझाया, वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इस इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट मेरा 3 होगा तो y कोऑर्डिनेट मेरा क्या आया है, माइनस 1। अब हम इसका सॉल्व करते हैं। इसी इक्वेशन के लिए मेरा y कोऑर्डिनेट अगर माइनस 1 हो तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है, सही है। तो मैंने लिख लिया y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू माइनस 1। तो इस इक्वेशन जो है हमारी x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। अब इसमें मैं y कोऑर्डिनेट को क्या पुट करता हूँ, माइनस 1, सही है। और ये 3 और y दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो 3 आ गया और y हमारा माइनस 1 है तो इसको मैंने ब्रैकेट में कर लिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 इजिकल्स टू 6। अब देखिए हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सही है। तो ये दोनों कांस्टेंट है तो ये प्लस 3 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3। तो x इजिकल्स टू 6 प्लस 3 था, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3। तो 6 में से आपने 3 फाइंड आउट माइनस किया तो क्या बचा आपके पास, 3 बच गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस इक्वेशन में मैं y कोऑर्डिनेट माइनस 1 पुट करूं तो मेरा x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 3 आ रहा है, सही है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसके 6 पार्ट थे ये मैंने आपको पूरे सॉल्व करवा दिए हैं। आई होप कि ये आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इनमें कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।